हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आज है बुधवार और अभी सुबह के बजे हैं 7। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी। सुबह सुबह बहुत जल्दी काम करना पड़ता है। किट्टू भी सोया होता है, उसके उठने के पहले मुझे सारे काम करने पड़ते हैं और टिफ़िन भी बनाना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो ये बन गया मेरा खाना और लग गई इनकी प्लेट। अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। जैसे ही ऑफिस के लिए निकल गए, मैं अपने कामों में लग गई। मैं हर 7 दिन में अलमारी के शीशे, अलमारी ये साफ करती हूँ। पहले मैंने गीले कपड़े से और बाद में मैंने सूखे कपड़े से अलमारी को साफ किया है। अलमारी साफ करने के कपड़े मेरे हमेशा अलग ही होते हैं। और पहले मैंने बेडरूम की साफ़ कर ली है और अब मैं सामने के रूम की अलमारी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सारे रूम में पोछा लगाया है, अब मैं बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ। काम ख़त्म ही हुए थे कि किट्टू उठ गया, उसको नाश्ता करा के मैंने नहला दिया है और वो इतने प्यार से तो कपड़े कभी पहनता नहीं है, उसको कहानियाँ बता बता के कपड़े पहनाने पड़ते हैं तब जाकर वो कपड़े पहनता है। टू को नहलाने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई और जब सबका लंच हो गया है तो मैं दोपहर के बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने तुरंत ही गुण भी साफ़ कर लिए हैं ताकि शाम को ज़्यादा परेशानी ना हो और जल्दी पानी हो जाए। अभी मेरी शाम की साफ़ सफाई हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है और मैंने चाय भी पी ली है। अभी मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मैं कैसे बनाती हूँ ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने लौकी को छील लिया है और फिर उसको ग्रेट कर रही हूँ। जैसे मेरी पूरी लौकी ग्रेट हो गई है तो मैंने लौकी में से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और उसमें बेसन मिला लिया है। बेसन इतना मिलाया है कि आपके कोफ्ते तेल में डालने के वक्त ज़्यादा गीले ना रहे और आसानी से तेल में गिर जाए। जब बेसन और कोफ्ते अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैंने उसमें मिलाया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी। इनको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मेरा मिक्सर तैयार हो गया। तब तक मैंने कढ़ाई पे तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है और इस आकार के मैंने कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्तों को मैंने बहुत ही धीमी आंच में पकाया है और जैसे ही मेरे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं फिर मैंने उसी कढ़ाई में प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब वो दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं उसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर उसको अच्छे से पका लिया है। फिर मैंने उसमें डाला है टमाटर। जब टमाटर अच्छे से भुन गया है तो फिर मैंने उसमें जो लौकी का एक्स्ट्रा वाटर था वो उसमें डाल दिया है।
अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर मैंने उसमें मेरे सारे कोफ्ते डाल दिए हैं और 5 से 10 मिनट उसमें पकने के लिए छोड़ दिए हैं। सब्जी बनाने के साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली है। बन गया है मेरा खाना, लग गई है मेरी प्लेट। आ जाइए सब खाना खाने। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।